हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आई साइट। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अरवली रेंज के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है और अहमदाबाद से करीबन 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसमें आपको 4.5 से 5 घंटे जितना टाइम लग सकता है। वैसे मैं 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग अहमदाबाद से निकल चुका था और अभी 12 बजे हैं और मैं जो माउंट आबू हिल है यहीं आधे रास्ते पे खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। और मुझे इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं बाइक लेके आया हूँ और 60-70 की स्पीड पे ही बाइक ड्राइव कर रहा था। 3-4 जगह पे ब्रेक भी ली, टी ब्रेक ली। और जो मैं अंबाजी है वहाँ से जो रास्ता है, जो मेन रोड है, वहाँ से आने वाला था, लेकिन भादरवी पूनम होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से जो अंबाजी, कोटेश्वर, जम्बूड़ी, उपला, निचला, खेजरा, उपलागढ़, तरतोली वाला जो रास्ता है, वहाँ से होते हुए मैं यहाँ माउंट आबू पहुँच गया। और वो जो रास्ता था, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं क्या बताऊँ, वन ऑफ द बेस्ट रूट आई हैव एवर विजिटेड। और मैं अगर ऐसा कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। वहाँ पे बहुत सारे विलेज को क्रॉस करते हुए, माउंटेन के बीच में और नदी के पास में ड्राइव करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर दूंगा। और कुछ जगह तो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे वहाँ के ड्रोन फुटेज भी लेने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने डिसाइड किया था कि मैं लंच टाइम तक माउंट आबू हिल तक ऊपर तक जरूर पहुँच जाऊँगा। तो मैं ज़्यादा कहीं पे रुक नहीं रहा था, वहाँ तो 2-3 मिनट ही रुकते हुए जो थोड़ा बहुत शूटिंग ले लिया। लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, मैं तो रिकमेंडेड जरूर करूँगा कि आप वहाँ से एक बार ज़रूर आए। वैसे तो एक रास्ता ही है, बहुत सारे माउंटेन है, नदी है, विलेजेस है, लेकिन अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आप फोटोग्राफी कर सकते हो, प्री वेडिंग कर सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो। और अगर कुछ करना नहीं चाहते तो टाइम, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड तो ज़रूर कर सकते हो। तो वैसे भी आज 10 सितंबर है, मतलब 10 तारीख है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में 10 कमेंट भी ऐसी आ जाएगी कि हाँ वो वीडियो बनाओ, तो मैं उस जगह का, मतलब अंबाजी से आबू रोड तक वाला जो रास्ता है, वहाँ का मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो माउंट आबू हिल पे जाते हुए आपके रास्ते में ऐसी बहुत सारी जगह आएगी जहाँ पे आप, मतलब रोड के साइड में जा सकते हो, वहाँ बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, और यहाँ से भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप आइए, बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन गंदगी मत कीजिए, कचरा मत डालिए। ये एक फॉरेस्ट है और इसे फॉरेस्ट ही रहने दीजिए, मतलब कचरे का फॉरेस्ट मत बनाइएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 7 कर्व व्यू पॉइंट, जहां तक मुझे पता है इसे ही 7 घुमा व्यू पॉइंट भी कहते हैं। तो माउंट आबू रोड से माउंट आबू हिल तक जाते हुए सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट है जहां पे आपको कुछ नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, और एक व्यू पॉइंट जैसा बनाया हुआ है जहां से आप यहां से जो सराउंडिंग व्यू है वो भी देख सकते हो। तो यहां पे हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे अपने माउंट आबू हिल की ओर। बारिश में माउंट आबू आने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि आपको हर 1-2 किलोमीटर में ऐसी खूबसूरत जगह मिल ही जाएगी। यहाँ पे आप बहता हुआ पानी भी पी सकते हो या बॉटल फिल भी कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बैठे हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ से ही ड्रोन को उड़ाया जाए और कुछ एरियल व्यूज को कैप्चर किया जाए। सो लेट्स हैव सम ड्रोन व्यूज इन 3, 2, 1, गो।
देखो रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत जगह आने वाली है और हर जगह पे तो आप रुक नहीं सकते, तो मैं जहाँ पे भी मुझे अच्छा लग रहा है वो जगह पे मैं रुकता हूँ 5-10 मिनट के लिए, शूटिंग ले लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो पहले हम वो सारी जगह देख लेते हैं जल्दी से और बाद में जल्दी से हम पहुँच जाते हैं ऊपर। तो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस में मुझे करीबन 2.5 घंटे जितना टाइम लग गया यहाँ वहाँ घूमते हुए, छोटे बड़े प्लेसेस को एंजॉय करते हुए, शूटिंग लेते हुए। 2.5 घंटे में मैं फाइनली एंट्री लेके माउंट आबू हिल पर पहुँच गया हूँ। अभी 2:30 बजे और भूख जोरों से लगी है, तो जल्दी से पहले रेस्टोरेंट जाते हैं, लंच करते हैं और बाद में देखेंगे कि हम हमारे पहले डेस्टिनेशन में क्या विजिट करते हैं। लंच में मैंने गुजराती डिश ट्राई की थी जिसकी प्राइस 180 रुपीज़ थी। प्राइस के अकॉर्डिंग टेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी ठीक है, लंच हो गया। और बाद में मैं गया रघुनाथ टेम्पल, वहाँ डॉर्मेंट्री की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। बाद में मैं निकल चुका हूँ गुरु शिखर जाने के लिए और रास्ते में एक स्वामीनारायण टेम्पल भी आया था जहाँ पे मैंने इंक्वायरी की रुकने के लिए, लेकिन वहाँ पे डॉर्मेंट्री की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और वहाँ पे हॉल है लेकिन 25 पीपल्स के लिए है 2500 रुपीज़ में और एक रूम चाहिए। अगर एक रूम चाहिए तो उसकी 800 रुपीज़ प्राइस है। और जो स्वामीनारायण टेम्पल है वो सर्किट हाउस के बिल्कुल ही पास में है। अभी मैं निकल चुका हूँ गुरु शिखर जाने के लिए और रास्ते में एक खूबसूरत जगह आई है, एक छोटा सा पॉन्ड है और बहुत ही अच्छे पेड़ दिख रहे हैं और पीछे माउंटेन। तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे गुरु शिखर के लिए। तो सोमनाथ मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने के बाद पास में ही एक लेक है जो बहुत ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और लेक में बहुत सारी मछलियाँ भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खूबसूरत जगह। तो गुरु शिखर जाने से पहले कि मैंने सोचा कि जो अचलगढ़ है उसे विज़िट किया जाए। यहाँ पे टेंपल है, जैन टेंपल भी है और यहाँ पे मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हो वहाँ पे मैंने चाय पी और अभी मैं जा रहा हूँ टेंपल पे। यहाँ पे पूरा पार्किंग है जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप चाय नाश्ता करना चाहो तो उसकी भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से पहले टेंपल जाते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ पे जो जैन टेम्पल है वहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको ये जगह बाहर से ही दिखा पाऊँगा और यहाँ आने का जो रास्ता है वो भी आपको ज़रूर दिखा दूँगा। यहाँ से आगे जो ये हिल है उसके ऊपर चामुंडा माता जी का मंदिर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, थोड़ा टॉप पे है तो आपको शायद ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पर। और यहाँ से मुझे वहाँ पे आप देख रहे हो गुरु शिखर भी दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से और जो सराउंडिंग ब्यूटीफुल नेचर है बहुत ही अच्छा है। तो ये जो रास्ता है वो ऊपर चामुंडा माता जी का मंदिर है वहाँ तक जाता है। लोकल से बात करते हुए मुझे ये पता चला कि ऊपर मंदिर तो है उसके साथ में ही गुफा है, तालाब है और ऐसा माना जाता है कि पांडव यहाँ रुके थे और जो मीराबाई थे उन्होंने यहाँ पे भजन भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाम के 6 बजने को है और मुझे गुरु शिखर जाना ही जाना है, तो मैं जल्दी से निकलता हूँ गुरु शिखर की ओर। तो यहाँ पे कुछ लोकल से बात करते हुए मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ की विशेषता ये है कि बाकी सारे जो मंदिर होते हैं वहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है लेकिन इस मंदिर पर अंगूठे की पूजा की जाती है, अंगूठे की। तो अगली बार आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो तो वो देखना मत भूलना। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन अगर मेरे पास पुराना वीडियो होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वैसे एक बात आपको बतानी रह गई कि जो जैन मंदिर है वहाँ तक आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हो, तो मेरी तरह अगर आपको पैदल ना जाना हो तो अपना व्हीकल लेके वहाँ तक जरूर जाना। देखो ये पार्किंग है और वहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमारे माउंट आबू ट्रिप के पहले दिन के लास्ट डेस्टिनेशन गुरु शिखर पहुँच चुके हैं। वैसे सनसेट होने वाला है लेकिन बादल ज़्यादा होने की वजह से मुझे लग रहा है सनसेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम जल्दी से ऊपर टॉप पे पहुँच जाते हैं जहाँ मंदिर है वहाँ, और वहाँ से मैं आपको सराउंडिंग व्यू जल्दी से दिखा देता हूँ, वरना जो डार्कनेस हो जाएगी तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरु शिखर से सराउंडिंग व्यू पॉइंट। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और गुरु शिखर पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसके पीछे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने चाय पीते हुए कुछ देर टाइम स्पेंड किया और अभी उससे और भी आगे आया हूँ जहाँ पे कोई नहीं है। थोड़ा क्राउड की आवाज़ आती होगी लेकिन उतना तो चलता है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है और पीसफुल एटमोसफियर बहुत ही अच्छी जगह है। ऐसी जगह एंजॉय करने के लिए आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं नक्की लेक से जब गुरु शिखर आ रहा था तब रास्ते में बहुत सारे प्लेसेस तो आए ही थे। कुछ प्लेसेस होते हैं ना कि जिसका कोई नाम नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस थे। लेकिन आज मेरा टारगेट था कि गुरु शिखर तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, इसीलिए मैं अचलगढ़ पे जो चामुंडा माता जी का मंदिर है वहां पर भी नहीं जा पाया, लेकिन उसको वो सारे जो प्लेसेस हैं वो किसी और वीडियो में कवर करने के लिए ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। और वैसे भी आज 3:30 बजे के बाद ही मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, तो हाफ डे में इतना ही एक्सप्लोर कर पाता, कल से पूरा दिन होगा हमारे पास तो ज़्यादा प्लेसेस अच्छी और अच्छी तरीके से हम विजिट कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है आपसे कि अगर आप पूरा दिन गुरु शिखर अचलगढ़ पीस पार्क में आ रहे हो तो ही अच्छी तरीके से आप वो सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे मतलब ये जो इस साइड वाले जो प्लेसेस है गुरु शिखर अचलगढ़ है फिर जो पीस पार्क है उसके लिए पूरा दिन निकालो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेव नेचर सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। देखो वैसे माउंट आबू के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हुए एडिटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, तो थोड़ी देर जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तब तक थोड़ी देर बैठे हुए एडिटिंग करते हैं और बाद में वापस जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।